इस बार से मैंने 2 साल के बच्चों से लेकर के 5-7 साल के बच्चों पर सर्वाधिक ध्यान दिया है। मैं मानता हूँ कि सर्वाधिक परिवर्तन हो सकता है तो 2 साल के बच्चों में। वैसे तो गर्भ से ही ये परिवर्तन प्रारंभ होता है, इसलिए महर्षि दयानंद ने 16 संस्कारों के विधान में गर्भाधान संस्कार को सर्वाधिक महत्व दिया। अब दुनिया में भी इसके ऊपर नए अनुसंधान भी हो रहे हैं। अभी 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों पर हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और 1 साल के भीतर जो तुम लोग 3 से 5 साल में नहीं पढ़ पाते हो, वो मैं आपको 2 साल के बच्चों के अंदर, 4 साल के बच्चों के अंदर, 1 वर्ष के अंदर वो प्रतिभा जागृत करके तुमको दिखाऊंगा आईना। 3 साल की भी है, 2 साल की है, हमें 5 वर्ष तुम्हारे बीत जाते हैं, और जो तुम 5 वर्ष में नहीं कर पाते हो, मैं 5 वर्ष के बच्चों के अंदर 1 वर्ष के अंदर करके दिखाऊंगा। वो 3 तो भाषाएं बोलने लगेंगे श्रेष्ठ रूप में, परिष्कृत हिंदी, परिष्कृत संस्कृत और एकदम परिष्कृत अंग्रेजी में तो बात करने लगेंगे, भाषाओं की कुशलता है। कम से कम उनको 1 साल के अंदर 1 से 2 शास्त्र माने भगवत गीता सबको कंठस्थ मिलेगी, अष्टाध्यायी, कुछ को धातु पाठ, कुछ को हो सकता है 2 से 3 शास्त्र भी, भगवत गीता, अष्टाध्यायी, धातु पाठ। और जो 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि पांच पांच शास्त्र आपको बच्चों को कंठस्थ मिलेंगे, और 5 वर्ष में आप देखोगे कि 5-5 भाषाओं में निष्णात मिलेंगे वो बच्चे, 5-5 भाषाओं में। हमने हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैंड्रिन चाइनीज, स्पेनिश, ये 5 भाषाएं तो कंपलसरी की हुई हैं। और जब ये जागृत हो जाएंगी, उनके अंदर प्रतिभाएं, तो आगे भी अतिरिक्त तो 2 भाषाएं और सिखाएंगे उनको, फ्रेंच, अरेबिक या एक आदि और कोई। भाषाओं का सामर्थ्य, शास्त्र का सामर्थ्य, विद्या का सामर्थ्य, व्रतों का सामर्थ्य।